हेलो फ्रेंड्स, माइसूर पर्पस माइसूर मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो अगेन एक मेल में क्वेश्चन आया है और अगेन इट इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। और जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है वो एक DF है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। वो मेरी बहुत ही अच्छी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और आप राधा कृष्ण को बहुत मानती हैं, तो ये वीडियो आपके सवाल का जवाब है। और मुझे हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से आप लोग के दिल में बहुत सारे सवाल और उठ जाएं, या मे बी दिस वीडियो कुड बी कॉन्ट्रोवर्शियल, पर आई डोंट बॉदर, मैं माइंड नहीं करती, क्योंकि मुझे अपने चैनल पर कोई ट्विन फ्लेम का ऐसा प्रोफेशनल वीडियोस नहीं बनाना जिसमें कि सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि इनर वर्क क्या होता है, असेंशन क्या होता है। मुझे सीरियसली ट्विन फ्लेम्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी जर्नी पूरी नहीं हो सकती। तो मैं बेसिकली फोकस होती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आई डोंट बिलीव इन टैरो, आई डोंट बिलीव इन एनी डेफिनेशन कि ट्विन सोल क्या होता है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, एंड आपका ये सब चीज़ें आप दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो नंबर दिख रहा है तो क्या है, बेसिकली माय चैनल इज़ बेसिकली फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूं, और इसलिए मैंने एक और कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम ली है जो कि कई लोगों से रेजोनेट कर सकती हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ये अपने DM से कभी मिली नहीं, ये एक मैरिड हैं, अपने DM से कभी मिली नहीं, सिर्फ सोशल साइट पे उनको उन्होंने देखा है और देखने के बाद उनको बेइंतहा प्यार हो गया। बेइंतहा, इतना ज़्यादा प्यार कि जब उनकी फैमिली ने चाहा कि हम लोग, जब उनके हस्बैंड ने चाहा या उनके घर वालों ने चाहा कि अब ये सही टाइम है अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और उनका ये इमोशंस मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जब हम किसी को चाहते हैं तो हम अपना सब कुछ सिर्फ उसी इंसान को देना चाहते हैं जिसको हम चाहते हैं, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, लेकिन जैसे कि आपने बताया है कि आपने अपने बंदे को सिर्फ सोशल साइट पे देखा है, यू नेवर मीट, और यू एक्चुअली कुछ ऐसा जानते नहीं है उसके बारे में, ठीक है। और जो आपके हस्बैंड हैं ही इज़ वेरी स्वीट, लाइक अ सोलमेट, जैसे कि आपने बताया। और आपका अब अपने DM से काफ़ी गहरा झगड़ा हुआ और आप लोग सेपरेट हो गए, आपकी बातें बंद हो गई, लेकिन आपको फैमिली से प्यार मिल रहा है, बट आप नहीं रह पा रहे हो अपने DM के बगैर, जिसको आपने देखा भी नहीं है, ठीक है। और आपने बहुत कोशिश करी इस जर्नी से निकलने की भी, तो कंफर्म कि भाई ये सिर्फ हो सकता है एक प्यार हो, एक अट्रैक्शन हो, एक इन्फैक्चुएशन हो, बट जैसे कि आपने मुझे मेल में बताया है कि आपने बहुत ट्राई किया इस जर्नी से निकलने का, बट आप नहीं निकल रहे थे, बल्कि आप अपनी हीलिंग के लिए लोगों को हेल्प कर रहे थे, बट आप निकल नहीं पा रहे थे। और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। देखिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि, बल्कि आई थिंक मैं इसका जवाब ना दे के मैं इस आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछती हूँ, और शायद मेरे उन सवालों में ही आप लोगों का जवाब होगा। ये बात सच है कि ट्विन सोल्स मतलब कि एक आत्मा जो दो शरीरों में बट जाती है, ठीक है, और उनकी एनर्जी सेम होती है और उनका उद्देश्य मिलना ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम ये सोचें, हम इस चीज़ को इस प्रकार से समझ लें कि मतलब हम ट्विन सोल हैं तो हमारा रीयूनियन होना ही चाहिए, और फिर हमारा फिज़िकल भी अपने ट्विन के साथ ही होना चाहिए और हम उसी के साथ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस जर्नी को ऐसा मानेंगे, तो आप में से बहुत से लोग हैं
जो कि दोनों ही काउंटर पार्ट्स आपस में किसी ना किसी से मैरिड हैं, या कोई डीएफ मैरिड है या कोई डीएम मैरिड है, ठीक है, बहुत से ऐसे भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके अनुसार यूनिवर्स को क्या करना चाहिए कि मतलब आपके काउंटर पार्ट को आप इनर वर्क करेंगे, और जब आप लोग अच्छे से इनर वर्क कर लेंगे तो आपका रीयूनियन हो जाएगा, तो फिर वो अब तो अपनी फैमिली को छोड़ के आप लोग शादी कर लें और आप लोग फिर सेक्सुअली भी एक्टिव हो जाएं या फिजिकली एक्टिव हो जाएं। इज इट पॉसिबल? क्या ये जर्नी है? ये देखिए, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ पर यूनियन मतलब होता है सोल लेवल पर अलाइन होना। सेक्सुअलिटी का कोई मतलब नहीं है इस जर्नी पे। आप जिसको अपना हस्बैंड या सोलमेट बोल रहे हैं, उनकी क्या गलती है? अगर आपको सोशल साइट में कोई बंदा अच्छा लगा और मान लेते हैं कि आप ट्विन हैं, या मान लेते हैं कि वो ही आपके डीएम हैं, पर जो बंदा आपकी लाइफ में आया है उसकी क्या गलती है? अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जस्टिस नहीं कर सकते तो आप यूनिवर्स से जस्टिस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मतलब आपको आपका डीएम मिल जाए, डीएम को आपसे प्यार हो जाए, और आपके हस्बैंड का क्या होगा? तो जब आप इस तरीके से सोचेंगी कि ठीक है, वो जो बंदा है जिससे मैं जिसको मैं अपना डीएम बोलती हूँ, इसको मैंने आज तक देखा भी नहीं है, इट्स ओके, देखा भी नहीं है, ठीक है, आप उसको डीएम मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। पर और आप सेकेंड, आप अपनी इनर वर्क भी ठीक से करिए, लेकिन आपको थर्ड अपने हस्बैंड के साथ जस्टिस करना होगा। आप समझ रहे होंगे जस्टिस का मतलब क्या है? आपको अपने हस्बैंड को उनके जो इच्छा अरमान है आपसे जुड़े हुए उसमें कॉपरेट करना होगा। और जब आपका मन नहीं करे तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं जस्टिस नहीं करूँगी मेरे हस्बैंड के साथ, जो कि फिजिकल लेवल पे मेरे हस्बैंड हैं, खुद खुद यूनिवर्स ने मेरी शादी करवाई है, ठीक है, या खुद समाज ने हमको जोड़ा है, एक किया है, अगर मैं इनके संग जस्टिस नहीं करूँगी तो मेरे साथ जस्टिस कैसे होगा? ये सोचना चाहिए। और दूसरा, मैं यही एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे आप लोग मुझसे सवाल करते हैं ऐसे मैं आप सबसे सवाल करना चाहूँगी और सबसे आंसर पाना चाहूँगी। मोस्टली मैरिड जो डीएम या डीएफ मेरे में हैं, ये बताइए कि आप लोग अपना इनर वर्क कर रहे हैं ठीक से? आप लोग मैरिड हैं, या आपका डीएम मैरिड है, या आप खुद मैरिड हैं, या आप दोनों मैरिड हैं? इन तीन स्टेटस वालों से मेरा ये क्वेश्चन है कि सपोज आपने अपनी जर्नी को बहुत ऑनेस्टली पूरा कर भी लिया, ठीक है, आपका सोल लेवल पर रीयूनियन हो भी गया, ठीक है, तो उसके बाद आप इस जर्नी से आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और ख़ास तौर से वो लोग जिनके बच्चे भी हैं, जिनके अपने बच्चे हैं, वो इस जर्नी में आफ्टर रीयूनियन क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन। और दूसरा, अगर आपका रीयूनियन हो भी गया तो आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? प्रैक्टिकली बताइए, प्लीज आंसर मी। आपके बच्चों को आपके हस्बैंड या वाइफ हस्बैंड्स खिलाएंगे, आपके बच्चे आपका डीएम खिलाएगा? और अगर आप लोग के पास कोई आंसर नहीं है मेरे इन सवाल का, तो आप लोग ऑनेस्टली इस जर्नी को एक स्पिरिचुअल जर्नी समझ के डिवाइन को सरेंडर होइए, ठीक से इनर वर्क करिए, एक अच्छे इंसान बनिए, और फिर डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दीजिए। डोंट मिस योर डीएम। जरूर डीएम को मिस करते हैं, मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आप जब डीएम को मिस कर रहे हो तो उस वक्त ये सवाल करना खुद से कि मेरा रीयूनियन हो गया तो मेरा नेक्स्ट स्टेप
स्टेप क्या होगा और मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। प्लीज़ मुझे लिटरली आप लोगों के इन इन सवालों पे आप लोगों के आंसर का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आई थिंक मेरे ये सवाल आज बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर कर देगा। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई अपडेट्स एंड लव योर सेल्फ, डू सेल्फ लव, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।